नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11 की मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सॉल्व द इनइक्वालिटी -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 -7x डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसे हमें करना है सॉल्व। तो शुरू करते हैं। तो इसके आंसर के अंदर सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी गिवन है इसे यहाँ लिख लेते हैं, वो है -3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 -7x डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18। अब हम क्या करेंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है सबसे पहले तो इसको उतना सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो 4 है अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगी, ये जो इनक्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है प्लस का, अगर यहाँ पे हम माइनस का 4 ला देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, एड -4 ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे पॉजिटिव का था, यहाँ पे -4 ऐड कर रहे हैं, यानी -4 -7x डिवाइडेड बाय 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 18 माइनस में 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, ये जो -3 -4 है ये हो गया -7 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा -7x डिवाइडेड बाय 2 और 18 -4 क्या हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई तो हो गया है लेकिन ये जो मिडिल टर्म है इसके पास यहाँ पे डिवाइडेड में 2 आ गया है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम कैसे, हम क्या करेंगे, ये जो तीनों साइड है यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई 2 ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया -14 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, यानी कि -7x इज लेस देन इक्वल्स टू ये हो जाएगा 28। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 को कॉमन हमें यहाँ पे दिख रहा है तो हम 7 को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे डिवाइड 7 ऑल साइड्स। तो ये हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाय 7 इज लेस देन इक्वल्स टू -7x डिवाइडेड बाय 7 इज लेस देन इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, या कह सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी क्या आई है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स जो यूज हैं वो हमारे लीनियर इनइक्वालिटी के लिए हैं। तो ये हमारी लीनियर इनइक्वालिटी आई है, वो होगी हमारी -2 इज लेस देन इक्वल्स टू -x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। अब हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे -x आए तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई -1 ऑल साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा --+1 मल्टीप्लाई बाय x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से हम देखेंगे जो x है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर को और x की रेंज क्या आएगी, x की रेंज आएगी हमारी, यहाँ पे दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट आएंगे क्योंकि दोनों तरफ इक्वल का भी साथ में साइन है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4, 2। ठीक है, जो छोटा नंबर होता है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, जो बिग नंबर होता है उसको राइट साइड। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई, यानी x की वैल्यू क्या होगी, -4 से लेकर के 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों ये भी इंक्लूड होंगे साथ में और इनके बीच की वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन था और x बिलोंग करेगा रियल नंबर को। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये भी है हमारा सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी ये जो गिवन है इसे सॉल्व करना है, तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जो इनइक्वालिटी गिवन है वो है हमारी -15 इज लेस देन 3 मल्टीप्लाई बाय x -2 डिवाइडेड बाय 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करने से पहले ही हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से ज्यादा अच्छा होगा कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो 5 है खत्म हो जाए यहाँ से और ये डायरेक्टली इजिली सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ऑल साइड्स बाय 5। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस जो 15 है अगर हम उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -75 इज लेस देन, यहाँ पे बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय x -2 इज लेस देन 0, क्योंकि यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 0 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 करेंगे सेकंड टर्म से तो 5 और 5 कैंसिल, यानी बचा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय x -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, लेकिन हम उससे भी इजिली क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड ऑल साइड्स बाय
3, ये जो तीनों साइड्स हैं इनको हम 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो 3 है यहां से कैंसिल हो जा रही है, माइनस 75 भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस 75 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 3. तो यहां से हमारे पास इनइक्वालिटी क्या आएगी, माइनस 25 इज लेस देन, ये 3 से 3 कैंसिल, यानी कि x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो माइनस 2 है इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों साइड ऐड करेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा ऐड 2 ऑल साइड्स, ठीक है. तो ये जाएगा माइनस 25 प्लस 2 इज लेस देन x माइनस 2 प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 2, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 25 प्लस 2 हो गया माइनस 23 इज लेस देन, ये दोनों कैंसिल, यानी x बचा हमारे पास इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे 2. अब यहाँ पे ये जो हमारे जो x है वो क्या कर रहा है, x बिलोंग करेगा रियल नंबर को, और जो x की वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, यानी इसकी रेंज क्या होगी, इस तरफ तो हमारा क्या लगेगा, यहाँ पे हमारा लगेगा क्लोज ब्रैकेट और इस तरफ हमारा लगेगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इस तरफ इक्वल का साइन है, इधर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे जो माइनस 23 है उसको इस साइड लिखेंगे, क्योंकि हम छोटे नंबर को इस साइड लिखेंगे लेफ्ट की साइड, और राइट की साइड हम लिखेंगे बड़े नंबर को, तो बड़े नंबर की तरह इक्वल का साइन है, यानी कि इस तरफ हम लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट और इस तरफ हमारा क्या है, इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए इस तरफ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट. तो ये होगी हमारी एक्स की रेंज, यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो माइनस 23 से लेकर के 2 में होगी, ठीक है, इसके बीच में होगी, लेकिन यहाँ पे 2 क्या होगा, इंक्लूड होगा, लेकिन ये जो माइनस 23 है ये इंक्लूड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था. तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है.